इंडिया के इस छोटे से रीजन में एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो यहाँ से निकलकर पूरे देश के बिजनेस को डोमिनेट करती है। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इमामी, द टाइम्स ग्रुप जैसे कई बिजनेसेस के ओनर्स इस छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं। हम बात कर रहे हैं मरवाड़ी कम्युनिटी की, जो आते तो राजस्थान से है, लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए तो वो राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं उसका 6% यानी $228 बिलियन मारवाड़ियों के पास है। ये इतना पैसा है कि अगर ये आपके पास होता तो मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है रिलायंस रिटेल, उसे और HDFC बैंक जो कि वर्ल्ड का 7th largest बैंक है, उन दोनों को खरीद लेते और उसके बावजूद आपके पास करोड़ों रुपए बच जाते। इंडिया के 26 बिलियनर्स मरवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 50 इंडियन स्टार्टअप्स में एटलीस्ट एक मारवाड़ी फाउंडर है ही है। तो सवाल ये है कि मारवाड़ी लोगों में ऐसी क्वालिटीज क्या है जो उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज है मारवाड़ीज में, जिसकी वजह से ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज है इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जरूर क्रिएट होती है और वो है हल्दीराम्स। आज ये ब्रांड हर घर में पहुंच चुका है और मार्केट में उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों मिलाकर भी इसे मुकाबला नहीं दे पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 11 साल के एक बच्चे ने की थी, वो भी भुजिया बनाकर, और आज ये कंपनी 80,000 करोड़ की हो गई है। तो बात है 1919 की, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे और बीगम मारवाड़ी उन्हें कहा गया था कि तुझे घर के बिजनेस में हाथ बटाना ही है। उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थे और सबकी भुजिया ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, ना ही क्वालिटी का डिफरेंस, ना इवन प्राइस का डिफरेंस। उस वक्त हल्दीराम जी को भुजिया बनाने का ऑब्सेशन हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से डिफरेंट हो। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से एक्सपेरिमेंट करते और नए टेस्ट और क्वालिटी ट्राई करते, और फाइनली उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिल गए और उनकी भुजिया इतनी फेमस हुई कि वो जब भी लाते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिक जाती थी। तो उन्होंने इस भुजिया को बनाने के लिए 3 टोटल चेंजेस करे। सबसे पहला था कि सारे लोग उस वक्त भुजिया बेसन से बनाते थे, लेकिन इन्होंने भुजिया मोच से बनाई, जिसकी वजह से भुजिया और ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी। लेकिन हल्दीराम जी को पता था कि ये इंग्रेडिएंट तो कॉपी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने सोचा ब्रांडिंग के बारे में। वो अपनी भुजिया को बाकी भुजियों से हाई क्वालिटी बताना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाकी 2 पॉइंट्स का सहारा लिया। पॉइंट नंबर 2 था कि उन्होंने इसको नाम दिया महाराजा डोंगर के नाम से और इसे कहा डोंगर सेव, जिससे लोगों के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन जाए ये कोई आम भुजिया नहीं है, ये तो महाराजा जी के नाम से है। अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने के लिए जो 3rd स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई वो था इसका प्राइस, जहाँ पर उस वक्त हर आदमी 2 पैसे पर केजी के हिसाब से भुजिया बेचता था, इन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस 2.5 गुना कर दिया, यानी 5 पैसे पर केजी। उस वक्त जितने भी वहाँ पर कस्टमर थे उनके दिमाग में एक ही बात थी, यार भुजिया खानी है तो हाई क्वालिटी की, यानी कि डोंगर से। इन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद इनके बिजनेस की ग्रोथ इतनी हुई कि उन्होंने कोलकाता और नागपुर में भी एक्सपैंड कर दिया और अपने बेटों को एक एक जगह की ओनरशिप दे दी, यानी एक को कोलकाता की और दूसरे को नागपुर की। इसके बाद भी इनकी फ्यूचर जर्नी आसान नहीं थी। इनके बेटे श्री कृष्ण अग्रवाल जी का नागपुर में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में भुजिया का उतना क्रेज नहीं था। इस चीज को देखते हुए कृष्ण अग्रवाल जी ने वहाँ की मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने 2 सबसे बड़े चेंजेस लाए। महाराष्ट्र में लोगों को ज्यादा स्नैक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने नए नए स्नैक वहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए। दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया उन्होंने, स्वीट मार्केट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो ही कॉमन लड्डू वगैरह स्वीट्स बिकती है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी प्रीमियम स्वीट यानी काजू कतली। इसके साथ साथ वो अपने कस्टमर से बहुत ही स्वीटली बात करते थे, उन्हें चाय कॉफी पिलाने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था यही कस्टमर आने वाले कुछ सालों में इन्हें 1,000 रुपए का बिजनेस देगा। इसके साथ साथ कृष्ण अग्रवाल जी चाय के साथ अपने कस्टमर्स को काजू कतली भी ऑफर करते थे, और एक बार उनके कस्टमर्स को काजू कतली पसंद आ जाती तो वो अपनी दुकानों के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स करते। नागपुर में काजू कतली बहुत फेमस हो गई, और सिर्फ नागपुर ही क्यों, पूरे इंडिया में इनकी स्वीट फेमस होगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हल्दीराम की जो स्वीट में मार्केट शेयर है वो 34% है, और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अब जो मारवाड़ी होते हैं ये कोई एक जनरेशन बिजनेस नहीं होता, इनकी हर पीढ़ी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करती ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दीराम फैमिली के ग्रैंडसन मनोहर लाल अग्रवाल जी ने QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के आउटलेट्स पूरे कंट्री में एक्सपैंड किए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना खानदानी फॉर्मूला भी नहीं छोड़ा, यानी पैकेजिंग, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ वो पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी करते हैं, और हर बार मेजर लोकेशंस जैसे कि दिल्ली की चांदनी चौक जैसी जगहों में नए नए स्टोर्स खोलते। यानी वो 11 साल का लड़का जो भुजिया बनाता था आज उसी कंपनी का रेवेन्यू 12,000 करोड़ का है, यानी सारे लोग मिलकर 12,000 करोड़ की भुजिया, काजू कतली और इनके बाकी प्रोडक्ट्स खाते हैं। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि इनोवेटिव बनो,
जैसे कि हल्दीराम जी ने बेसन की जगह से मोद से भुजिया बनाई, उसे महाराजा का नाम दिया और इवन उसे प्रीमियम दिखाने के लिए उसका प्राइस बाकी भुजिया के कंपैरेटिवली 2.5 गुना रखा।